जम्मू कश्मीर नंबर वन स्टेट है जहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय का जो स्टाम्प है यहाँ पे लगा हुआ, उन्होंने वहाँ पे वादा किया कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और नौकरियाँ देंगे, ना उन्होंने नौकरियाँ दिया और भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, वी वॉन्ट जस्टिस। जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो करप्शन चल रहा है, हम चाहते हैं कि वो भ्रष्टाचार पूरे देश में खत्म होना चाहिए। करप्शन से जूझते आए पिछले 10 सालों से बिल्कुल मैं मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एंड फादर ऑफ ऑल स्कैम्स, क्योंकि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें 692 एस्पिरेंट्स है जो धांधली से लगे हुए हैं। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक यहाँ ही रहेंगे। पेपर लीक का मामला अब देश में आम हो चुका है, लेकिन अभी जो लगातार पेपर लीकिंग का मामला आ रहा है, लगातार सरकार पे सवाल उठ रहे हैं। और अभी जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं। इनके साथ भी वही दिक्कतें आई हैं कि पेपर लीक जो है, इन लोगों का एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हो गया और अपॉइंटमेंट भी लोग जो ये लोग जिस चीज़ में बहाल होने वाले थे वहाँ पर दूसरे लोगों को करप्शन के तहत भ्रष्टाचार करके वहाँ पर बहाल कर दिया गया है। तो आप लोग, हम लोग इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मामला है, इन लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है, क्या क्या मामला है और आप लोग यहाँ पे आए हैं। मैम, हमारा मामला यही है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो करप्शन चल रहा है, हम चाहते हैं कि वो भ्रष्टाचार पूरे देश में खत्म होना चाहिए। आप भी जम्मू कश्मीर से हैं? हाँ मैं। आगे आइए जी मैम। क्या दिक्कत हो गया? बस ये करप्शन से जूझते आए पिछले 10 सालों से। 10 सालों से बिल्कुल मैम। तो क्या लग रहा है, मतलब किस तरह का करप्शन हुआ है? बस ये फैमिली स्कैम, ब्लड रिलेशन, ये नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, पेपर लीकेज, बैकडोर एंट्रीज, बस यही मैम। ये लगातार आप लोग ने सुना होगा कि हर फील्ड में होता है, हर जगह ये होता है। अब ये चीज़ें अब आम हो चुकी हैं, तो आप लोग को क्या लग रहा है, आप लोग को न्याय मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, न्याय तो मिलेगा इंशाल्लाह। हम तो पिछले 15 दिन से हंगल स्ट्राइक पे है जम्मू में, अब यहाँ भी आ गए, यहाँ भी हमने गोवा लगाए। क्यों जम्मू कश्मीर की वहाँ पे क्या कहा जो वहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने क्या? वहाँ तो हमारे पास कोई आया ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। आप गए थे किसी के पास? हम गए, हमने तो कोशिश की थे जाने के, लेकिन हम दो बार गए मिले थे। ये निसार साहब मिला था, फुल एलजी को भी मिला था और गवर्नर साहब को भी मिला था। उसने आश्वासन दिया था कि होगा इंशाल्लाह, होगा जरूर, लेकिन करते कुछ नहीं, बस बोलते हैं। तो अभी क्या करेंगे, अभी यहीं पे रहेंगे या? जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक यहीं रहेंगे। तो आप लोग के साथ कब ये वाक्या हुआ जो आप लोग जो बोल रहे हैं पेपर लीक का जो मामला है? जी मैं, मैंने आपको पहले ही समझाया, 2013 में भी ये घोटाला पाया गया, 2018 में और 2020 में। उन उस वक्त उन दलालों को छोड़ दिया गया, आज ये दिन हमें देखने को पड़ती है। जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी 2019 में, बीजेपी ने वहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया। उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर पहले होता था, चाहे करप्शन हो रहा है, वो अब नहीं होगा। लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के यूथ को एक वादा दिया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन बीजेपी ने जब 370 आर्टिकल वहाँ पे रिवोक किया, सबसे पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर एंड एमरजेंसी सर्विस। इसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एंड फादर ऑफ ऑल स्कैम्स, क्योंकि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें 692 एस्पिरेंट्स है जो धांधली से लगे हुए हैं। तो मैं दो बार एलजी मनोज सिन्हा साहब से मिला हूँ जम्मू में। उसने मुझे आश्वासन दे दिया कि जो इसमें लगे हुए हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 10 साल पुराना, कहीं आप लोग सरकार को बदनाम तो नहीं करना? नहीं बिल्कुल, जो तभी तो एलजी साहब ने इसमें कमेटी गठन की है। जब उसको लगा कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, नेपोटिज्म हुआ, फेवरेटिज्म हुआ, तभी तो उसने कमेटी इसमें गठन किया। तो फिर हम चाहते हैं कि जो कमेटी इसमें गठन किया, तो कमेटी अभी तक कर क्या रही है? जो सीबीआई का काम था, एंटी करप्शन वालों का काम था, जो तो हम सिर्फ खुद हम एस्पिरेंटों ने वो काम किया, जो वो डॉक्यूमेंट्स हमने आगे फॉरवर्ड किया कमेटी को भी और एलजी साहब को भी। और एलजी साहब कह रहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, उसको खंगालने में टाइम लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, लगने दो टाइम, लेकिन जिन चोरों ने चोरी की उनको सज़ा लगना चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उन बेचारों को साथ जस्टिस तो मिलेगा। अगर हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कौन बोल सकता? इस जहाँ पर भी भ्रष्टाचार होता है, जहाँ पर भी करप्शन, उससे देश जो देश डेवलपमेंट की तरफ नहीं बात। आप लोग ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि धारा 370 हटा गया तो आप लोगों के अंदर खुन्नस है? नहीं नहीं नहीं, हम चाहते हैं अगर बीजेपी ने वहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया, उन्होंने वहाँ पे वादा किया कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और नौकरियाँ देंगे, ना उन्होंने नौकरियाँ दिया और भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पे, तो पूरे देश में हो रहा है। वही तो बात है, जम्मू कश्मीर नंबर वन स्टेट है जहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई है।
पूरे क्या वजह, पहले रोजगार था जब 370 धारा नहीं था तब भी देते थे, ज्यादा थोड़ा बहुत देते थे। जब से बीजेपी आई तब से 1% भी वहाँ पे नौकरी नहीं दी है। वो पुरानी को पुरानी जो भी पुराने वहाँ पे रोजगार उनको बाहर कर देती है। हम चाहते हैं कि जनमन, हमारी डिमांड यही है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। हम तो जो जस्टिस मांग रहे हैं एस्पिरेंट्स, हमारे साथ भी इंसान भ्रष्टाचार किए उन लोगों को नौकरियाँ हैं अभी वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो अभी तक उनको नहीं निकाला, नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है अगर 10 साल के बाद भी एम्प्लॉय टर्मिनेट हो सकता है, अगर वो धांधली से लगा हुआ, ये तो सारे धांधली से लगा हुआ। आप लोगों के पास प्रूफ है? बिल्कुल, हर को एक विटनेस भी सामने आ गया, उसने कोर्ट में लिख के दिया अपडेट कि मैंने पेपर कहाँ से पकड़ा है। वो सजा भुगतने के लिए भी तैयार है, हर मतलब फोन कॉल फोन रिकॉर्डिंग पेपर लिख गया जिस तरह कोई। आप लोगों को क्या फायदा होगा? देखो मैम, उससे पहले हमें जॉब मिल जाएगा, जो ने धांधली की है तो हम तो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, हम तो पढ़े लिखे जवान हैं। जिनको जॉब दी गई है उन्हें, कुछ कैंडिडेट वो है जिन्हें फॉर्म ही नहीं लगाए, कुछ कैंडिडेट वो है जिन्होंने फिजिकली क्वालिफाई नहीं किया है, तो वो भी आउट हो गए, तो उनको कैसे जॉब दी जाएगी? तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। आप लोग क्वालिफाई थे? बिल्कुल मैम, क्वालिफाई किया तभी तो हम यहाँ जंतर मंतर में आ गए। हम थोड़ी यहाँ जंतर मंतर में आ जाएंगे, इतना दूर जम्मू कश्मीर से यहाँ आएंगे जंतर मंतर में, यहाँ पर इतनी धूप है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, वी वॉन्ट जस्टिस मैम। अभी आपके पास एक पेपर था, वो किस चीज़ का पेपर? मैम हम वो पीएम ऑफिस में एक हमने सबूत एक फाइल डाली है, वहाँ से उन्होंने लिखे रिटन में दे दिया कि 1 हफ्ते के अंदर आपका ये जो मसला है सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए सर, यहाँ पे उन्हें सील भी इसमें डाल दी पीएम ऑफिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय का जो स्टाम्प है यहाँ पे लगा हुआ, तो ये किस बात के लिए? ये है जो हमारे पास एविडेंसेस सबूत है वो तो हमने वहाँ पे उनको दे दिया, सबमिट किया कि इसमें ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि उस वहाँ पे जो एलजी मनोज सिन्हा साहब ने इसमें कमेटी गठन किया वो कभी अभी तक काम ही नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, वी वॉन्ट जस्टिस मैम। तो आपने देखा लगातार देश में ये सारी चीज़ें होती हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जो कैंडिडेट डिज़र्व करते हैं उनको हटा के कॉन्टैक्ट से कर लिया जाता है, कभी पैसों के लिए कभी किसी चीज़ के लिए लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लगातार इससे जूझ रहे हैं। जो बच्चे टैलेंटेड हैं वो बच्चे इससे लगातार जूझ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी दरें बढ़ रही है भ्रष्टाचार की वजह से, कि जो लोग लायक हैं उसके उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।